आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये BMW की सबसे बड़ी SUV है, ये है नई X7। और इस वीडियो में आपको ले चलते एक फर्स्ट ड्राइव में और बताते हैं क्या खास है इसमें एंड व्हाट इज़ द न्यू X7 ऑल अबाउट, क्योंकि ये है BMW की फ्लैगशिप लग्जरी SUV, सबसे ज़्यादा स्पेस, सबसे ज़्यादा लग्जरी। तो SUV चाहते BMW चाहते, इज़ X7 द बेस्ट बेट? आइए हमारे साथ एक फर्स्ट ड्राइव। हमेशा BMWs में बात हमेशा होती है अपनी ग्रिल के बारे में, क्योंकि ग्रिल का साइज़ काफ़ी बढ़ने लगा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, मगर X7 इतनी बड़ी है कि ग्रिल एक्चुअली डज नॉट लुक सो बिग। ये है BMW की सबसे लंबी गाड़ी, सबसे बड़ी SUV, मोर देन 5 meters लॉन्ग इन लेंथ। और आप जब पहली बार देखते हो पता चलता कितनी बड़ी है ये, बट टिपिकल BMW स्टाइलिंग है। आपको एक मैसिव ग्रिल मिलता है जो आप ऑप्शनली इसे इल्यूमिनेट भी कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ा चेंज पुराने X7 और नए X7 में है ये स्प्लिट हेडलैम्प क्लस्टर, और ग्रिल को ज़्यादा अग्रेसिव किया है, क्योंकि ये है ऑब्वियसली M स्पोर्ट वर्जन, तो ग्रिल ज़्यादा अग्रेसिव है, गाड़ी को एक अग्रेसिव स्पोर्टी लुक देती है। मगर आप साइज़ के बारे में बात कर सकते हैं, साइड में अगर बात करेंगे इसमें 21-inch व्हील्स है, मगर ये भी काफ़ी छोटे लगते हैं एंड दैट शोज़ हाउ लॉन्ग दिस कार इज़। रियर में भी BMW ने LED टेल लैम्प्स दिए और बम्पर में थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, मगर ओवरऑल फ्रंट लुक नया है एंड साइज़ सेम है, विच मीन्स इट इज़ एज बिग and has a huge amount of presence, which is obviously the reason why people love big SUVs. एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी BMW ने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है और मोस्टली कंसंट्रेट किया है कि इसे लग्जरी एक्सपीरियंस दे, क्योंकि ऑब्वियसली इस सेगमेंट पे लोगों को लग्जरी एलिमेंट ज़्यादा चाहिए, दे वांट कंफर्ट, दे वांट फीचर्स, बट दे वांट दैट लग्जरी एक्सपीरियंस, और यहाँ पे BMW ने दिया है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा चेंज है कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है, 14.9 inch का बड़ा टच स्क्रीन मिलता है एंड दैट मैसिव 12.3 inch डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो डिज़ाइन, जो डिस्प्ले है, आपने दूसरे BMWs में भी देखा होगा, इट्स मैसिव डिस्प्ले, वेरी क्रिस्प हाई क्वालिटी डिस्प्ले, यू नो इट्स एज गुड एज इट गेट्स। मगर सबसे बड़ा चेंज है X7, एक आपको लाइट बार मिलता है विद दिस X7 ब्रांडिंग, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिट एंड फिश मटेरियल, अगर इस सेगमेंट में ऑब्वियसली पीपल वांट द बेस्ट, और वो आपको मिलता है, पर क्वालिटी फिट एंड फिश इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी नाइस, और एक लग्जरी एलिमेंट भी दिया है। काफ़ी क्लीन लेआउट है, ज़्यादा फिजिकल बटन्स नहीं है, क्योंकि सारे अब यहाँ पे मिलता है, जैसे कि अगर आपको क्लाइमेट कंट्रोल जाना है वो यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, देर आर नो फिजिकल बटन्स। और मुझे ये AC के नॉब्स, आई रियली लव दिस, वेरी कूल इन इट, वेरी मिनिमलिस्टिक लुक। एक और चीज़ है, यहाँ पे आप क्रिस्टल एलिमेंट्स भी दिया है, जैसे कि गियर सेलेक्टर, लुक एट दैट, दिस इज़ वेरी प्रीमियम। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको मिलता है, और अगर आप फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली यू गेट अ होल लॉट मोर पावर्ड सीट्स आपको मिलता है, यहाँ पे आपको 16 स्पीकर का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एंड यू गेट प्रीटी मच एवरीथिंग इंक्लूडिंग अ फैंटेस्टिक सराउंड कैमरा, और अलॉन्ग विद दैट यू गेट ऑल द लेटेस्ट कनेक्टेड कार्टेक, और आपको एक डिजिटल की भी मिलता है, वेर यू डोंट नीड द फिजिकल की एट ऑल टाइम, जस्ट अ डिजिटल की इज़ एनफ। तो येस, एंड द सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल, यहाँ पे इंडिविजुअल जो सबसे ज़्यादा लग्जूरियस BMW लेदर अपोल्स्ट्री वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो येस दिस फील्स वेरी प्रीमियम, वेरी लग्जूरियस। और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको प्रॉपर फुल सनरूफ मिलता है, ग्लास रूफ अगर आप कह सकते हैं, एंड दिस इज़ एब्सोल्यूटली मैसिव, एकदम थर्ड रो तक जाता है, एंड इट हैज़ गॉट लाइटिंग एज वेल, विच एट नाइट लुक्स वेरी लग्जूरियस। तो येस, कैबिन में BMW ने ज़्यादा लग्जरी एलिमेंट यूज़ किया है, विच आई थिंक लुक्स रियल कूल, प्लस एक मिनिमलिस्टिक थीम यूज़ किया, ज़्यादा फिजिकल बटन्स नहीं है, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बट अगेन इट फील्स वेरी प्रीमियम एज यू माइट एक्सपेक्ट। नए वाले X7 में आपको सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी मिलता है। अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँगा, सीट मेरी हाइट पे एडजस्टेड, M6, आप देख सकते हैं, स्पेस इज़ वेरी गुड। प्लस इंपॉर्टेंटली X7 में आपको एक कैप्टन सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो इंडिविजुअल सीट्स मिलता है, प्लस यू कैन एडजस्ट देम इन मैनी वे, देख सकते हैं आप, रिक्लाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी नाइस। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, आप ज़्यादा नीज अप पोजीशन में नहीं बैठते, इवन दो थोड़ा सा आई वुड से अ बिट मोर थाई सपोर्ट वुड हैव बीन बेटर, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। आप एक यू नो यू सिट एट अ वेरी हाई पोजीशन, और आपको एक अच्छा व्यू आउट मिलता है, विंडो एरिया इज़ वेरी नाइस एज वेल, प्लस आपको यहाँ पे कप होल्डर्स भी मिलता है विच आर इंटीग्रेटेड, विच इज़ वेरी कूल, प्लस ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, एंड अ मैसिव ग्लास रूफ एज वेल, जो मैंने पहले बोला था, स्काई लाउंज जो BMW कहता है। तो यस, सेकेंड रो इज़ वेरी कम्फर्टेबल। हाउएवर इंटरेस्टिंगली
थर्ड रो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आपको थर्ड रो में जाना है इट्स वेरी इजी, देखिए ऑटोमेटिकली सीट एडजस्ट हो रहा है एंड यू कैन ईजली गेट इन। देखिए एंड फॉर दैट आप इजीली थर्ड रो में आराम से आप जा सकते हैं। तो थर्ड रो हैज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, मेरी हाइट का भी कोई आराम से बैठ सकता है, इट्स वेरी डिसेंट। और दूसरे लग्जरी एसयूवीज के कंपैरिजन में दिस हैज़ डेफिनेटली द बेस्ट, यू गेट अ गुड व्यू आउट, आपको ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे, क्योंकि X7 तो है बड़ी, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी प्रैक्टिकल एसयूवी जो हमने पहले दिखाया, मगर BMW हमेशा रहता है फॉर द ड्राइवर, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्राइवर्स कार। तो इसका मतलब है कि चलाना जिनको पसंद है वो BMW ही लेते हैं। एक बार ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी स्पोर्टी है, आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है, इट्स वेरी इंट्यूटिव, तो आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करो, यहाँ पे आपको डीजल पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल में इट्स इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल 381 हॉर्स पावर आपको मिलता है, 8 स्पीड स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव, ऑब्वियसली एक्स ड्राइव जो BMW का है हमेशा की तरह वो आपको यहाँ पे मिलता है। हाउएवर नए X7 में BMW ने यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड का सिस्टम ऐड किया है ताकि आपको एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क मिले, लगभग नियर 200 Nm टॉर्क, तो इसके वजह से और भी ज़्यादा स्मूथ होता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और नॉर्मली इतनी बड़ी SUVs में जो पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल में टॉर्क थोड़ा कम होता है, तो दैट दिस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम एड्स इन एंड गिव्स मोर टॉर्क ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ हो, इंस्टेंटली आपको ज़्यादा पावर मिले, वो आपको यहाँ पे मिलता है। इतनी बड़ी SUV है, इतनी भारी SUV है, मगर जब आप चलाते हैं आपको विश्वास नहीं होता कि मैं SUV चला रहा हूँ या कोई स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर टू एनी अदर BMW SUV X7 है सबसे शार्प और सबसे ज़्यादा फोकस है इसका चलाने में, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू एनी अदर SUV। तो अगर आप एक्सेलरेट देंगे, देखिए इट जस्ट गोज फॉरवर्ड, 0 to 100 इज अंडर 6 seconds, और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा पावर मिलता है, आप मज़ा आता है चलाने में, एज इफ इट इज़ अ स्पोर्ट्स कार। इतनी भारी भरकम SUV ऐसे चल सकती है मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि ये एक बड़ी 3-row लग्जरी SUV है, कोई परफॉर्मेंस SUV नहीं है, मगर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलता है लाइक एनी फन टू ड्राइव टिपिकल BMW जो गाड़ी आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलता है। इंजन इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पेट्रोल इंजन है, मज़ा आता है चलाने में, साउंड इज़ वेरी वेरी नाइस, आपको एक स्पोर्टी फीलिंग मिलता है, प्लस आप जब आप स्पोर्ट मोड करते हैं इट इज़ इवन मोर फन टू ड्राइव, एक्सेलरेशन इज़ वेरी वेरी फास्ट, आपको फ्रेंकली आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी बड़ी गाड़ी में आपको ऐसा एक्सेलरेशन मिलता है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंटली जो लोग ये लेते हैं ऑब्वियसली वो है कि कम्फर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे BMW ने एयर सस्पेंशन दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको राइड कम्फर्ट में दिक्कत नहीं होती, इवन दो यू गेट प्रीटी गुड परफॉर्मेंस, तो राइड इज़ सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल डिस्पाइट द फैक्ट दैट यहाँ पे BMW यूज़ कर रहा है मैसिव टायर्स, बड़े बड़े व्हील्स, राइड इतना हार्ड नहीं है, इनफैक्ट आई एम वेरी सरप्राइज, BMW में से दिस इज इजिली द बेस्ट राइडिंग BMW, देर इज हार्डली एनी नॉइज, और सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ दिस एयर सस्पेंशन, तो कम्फर्ट सरप्राइजिंगली वेरी गुड है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेगमेंट ऑफ बायर्स। आप गाड़ी को रेज भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं ड्यू टू दिस एयर सस्पेंशन। कुछ और चीज़ अगर बात करूँ, वेल माइल्ड हैबिट सिस्टम की वजह से पावर आपको इंस्टेंट मिलता है, तो अगर आप आराम से चलाएं या तेज़ चलाएं द कार इज़ एज फन टू ड्राइव एज एवर, बट इज़ ऑल्सो वेरी केपेबल एवरी डे क्रूजर। माइल्ड हैबिट सिस्टम की वजह से माइलेज भी थोड़ा बेटर होता है, बट इवन दो ये एक हाई रेविंग पेट्रोल इंजन है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते माइलेज, बट इट्स नॉट दैट बैड। अगर आप X7 के प्राइसेस के बारे में बात करेंगे इट्स अराउंड 1.3 crore, तो दूसरे लग्जरी SUV सेगमेंट पर अगर आप तुलना करेंगे इट इज़ एक्चुअली लेसर प्राइस्ड एंड वेरी गुड वैल्यू, मगर BMW ने न्यू X7 के साथ उन्होंने ज़्यादा लग्जरी ऐड किया है, बट इट्स स्टिल अ वेरी फन टू ड्राइव SUV, तो ये उनके लिए है जिन्हें चलाना पसंद है, बट दे ऑल्सो वॉन्ट अ प्रॉपर बिग 3-row लग्जरी SUV विच दे ऑल्सो वॉन्ट टू सिट एट द बैक। तो अगर आप पीछे बैठना चाहते हैं एवरी डे और वीकेंड्स में खुद चलाना चाहते हैं, खुद मज़ा चाहते हैं, X7 is the one to buy, और अब ज़्यादा लग्जरी भी आपको मिलता है, दिखने में भी इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव एंड मच मोर डिफरेंट दैन सम ऑफ इट्स सिबलिंग्स। तो यस, अगर आपको एक बड़ा 3-row लग्जरी SUV चाहिए बट यू स्टिल वॉन्ट दैट BMW ड्राइविंग एक्सपीरियंस, X7 ऑब्वियसली है आपका बेस्ट चॉइस।